स्वान पुरुषी अप्रकोर सुरू करते हैं फाइनल संध्या का ये रात्रि तो मैं बगूशे का चकुराना अब आते इस्पांडे एक मैच ऑब्जर्वर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल साइड क्योंकि सात साल में छत्तीसगढ़ जुड़ चुका है इसके बाद एक मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल कोलकाता गोवा और अब छत्तीसगढ़ जुड़ गया है आप बोल रहे शिवसेना और शिवसेना आया है आइए बात करेंगे दो मिनट बात करेंगे सबसे पहले तो यशस्वी अलायंस आपने टीम के आधार पर खेला और अब आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से खेलने के लिए आए हैं यहाँ पर आप अपने टीम का क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ का वातावरण अच्छा ही रहता है और यहाँ जो खेलने का ये मिलता है खिलाड़ियों को ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टेनिस बॉल के लिए तो बहुत ऊपर खेलने का प्लेटफॉर्म है और इसी टूर्नामेंट से खेलने से बड़े बड़े खिलाड़ी जो है आईपीएल खेल रहे हैं और बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हैं क्या डिसीजन लिया हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करनी है बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गौतम अपना स्वागत है गौतम परंतु किती धावांपर्यंत मजल मारू इच्छिता चिंतपणे सत्तर असेल टार्गेट आहे आमच्याकडून तुला खूप शुभेच्छा मित्रांनो सुप्रीम कोर्ट 2017 चतुर्थ सुप्रीम कोर्ट सध्या आणि पहिला संघ नाण्याचा जो कौल आहे तो कौल जिंकलेला आहे ते म्हणजे यशस्वी अलायन्स छत्तीसगड या संघाने आणि त्यांनी गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतला आणि आमंत्रित केलंय स्टार सीसी पालघर या संघाला फलंदाजी करण्यासाठी हा सामना थोड्याच वेळात तुमच्या समोर सुरू होत आहे धन्यवाद ती लिस्ट आमच्याकडे येऊ द्या छत्तीसगडची नंदू सगळ्या सगळ्या घडामोडी तुम्ही बघू शकता प्रेस कॉन्फरन्स पासून आतापर्यंत पुणे जो ऑब्झर्व प्रमोद कुमार अनिकेत अयरकर ओसामा अशर अफसर मिर्जा फरमान आणि शैलेश बोनकर म्हणजे मराठी नाव जर पाहिलं तर अनिकेत अयरकर एक नाव आहे शैलेश बोनकर हे एक नाव आहे बघतोय ते तीन नाव आहेत जे आपण छत्तीसगड मध्ये बघतोय गौतम माकरे आणि मिलन दमनकर पालघर जिल्हा स्वतंत्र जिल्हा झालाय अजून 17 मिनिटांनी किती उद्घाटन झालंय भाई लेबर क्रिकेटशी जुळलेले प्रबोधन T20 तुम्ही पाहिलंय T20 स्पर्धा किती सुरू झाली आहे आजपासून पालघर डाऊन क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून बळीवर सुप्रीमोकडे करुणा याचा इशारा आलाय या ठिकाणी सुरू होते पूल डी चे सामने नामांकित खेळ लेबर क्रिकेट मध्ये विनायक चतुर्थी साजरा केला जातो कृष्ण पक्षात संकष्टी चतुर्थी गणेश चतुर्थीला विनायकाच्या स्वरूपात असतो अतिशय क्लास या ठिकाणी फ्लिक दाखवत असताना मिड विकेटला सिंगल पूर्ण करत असताना Thank you.
फोन घेशील ममता प्लीज फोन घे ना फक्त जरा पर्स मध्ये ठेव ना बाळा मॅम सुप्रीमो चषक का सातवा चालले आप क्या कहना चाहेंगे बेसिकली मी मराठी मी सुलेखा तळवलकर मराठी स्टेज रंगभूमी आणि थिएटर फिल्म्स वगैरे सगळं करते मराठीत बोलले तर चालेल का हिंदी में चाहिए था ओके जी तो ये सातवां साल है सुप्रीमो का संजय जी पोटनिस सर सात साल से ये इतना बड़ा मतलब अभी तो बहुत ही ग्रैंड स्केल पे चल रहा है नाइट क्रिकेट और इसमें मुझे एक चीज़ संजय जी की इतनी अच्छी लगती है कि ये प्लेयर्स अडॉप्ट भी करते हैं और उन लोगों को ट्रेन भी करते हैं उनके न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखते हैं एंड ही इज़ मेकिंग न्यू टैलेंट डे बाई डे बिकॉज सी बेसिकली देर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट और इतना सारा टैलेंट होके भी इतने सारे अपने शहर में एथलीट्स होके भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और खेलने के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो संजय जी पोटनिस ये सब उनके लिए कर रहे हैं सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल और क्या मतलब यहाँ से जो प्लेयर्स निकलते हैं आपको क्या लगता है आगे उन्हें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ये सुप्रीमो में आने के बाद और पिछले दो तीन साल से मैं यहाँ पे गेस्ट करके आ रही हूँ लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं सुप्रीमो नाइट क्रिकेट के बारे में कि आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी मिल रही है बच्चों को और बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं आगे भी थैंक यू सर बस एक सेकंड रुकिए सबके साथ भी ले लेते हैं आपको सर आप क्या कहना चाहेंगे शिवसेना के अलावा बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तथा मराठी के सेलिब्रिटीज़ भी आके सपोर्ट कर रहे हैं आपका इस बारे में क्या कहना है सेलिब्रिटीज जो आते हैं वो क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने के आते हैं और ज़्यादातर हमारे मराठी एक्टर्स क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स उनको बहुत चाहते हैं और हमारे जैसे लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको सपोर्ट के लिए उनको आने का बहुत इच्छा होती है उनको बुलाना चाहिए उन लोग आते हैं लोग समझते हैं बहुत अकड़ है एक्टर्स को ऐसा नहीं है अगर उनसे उनको समझा के बोलेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है ऐसे बच्चों को खिलाते हैं तो टाइम निकल के उन लोग आते हैं नहीं एक्चुअली जहाँ पे अच्छा काम चल रहा है जैसे संजय जी इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों के लिए तो ऐसी चीज़ें जब भी प्रमोट करनी होती है तभी डेफिनेटली आर्टिस्ट का हमेशा सपोर्ट रहता है क्योंकि मीडिया से कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से रहता है आर्टिस्ट लोगों का तो संजय जी जो काम कर रहे हैं इतने सालों से तो पूरे सात साल पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री का और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा सपोर्ट हम सबका सपोर्ट है उनके लिए जी और आगे आप क्या चाहते हैं मतलब कितने सालों तक ये सुप्रीमो से सक्सेस चलता रहेगा हमेशा मैं एकदम बुढ़ी होने के बाद भी यहीं पे आऊँगी ओके थैंक यू मला अजूनही आठवते नरे पार्कच्या मैदानावर जेव्हा रावले साहेब आले मैदानातील बसलेल्या तमाम प्रेक्षकांकडे स्वतः गेले आणि एक चक्कर मारून मग स्टेजवर आले दांडगा जनसंपर्क कशाला म्हणतात
मोहन रावले साहेब यांच्याकडून शिकायला हवं. जबरदस्त क्रिकेट प्रेमी महाराष्ट्र आपल्या पुढील वाटचालीसाठी कोटी कोटी शुभेच्छा आहेत. चव्हाण कुटुंबीय खोतवाडी म्हटलं की नक्कीच अर्जुन प्रतिष्ठान गुरीबोटी नागपुर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. राजेंद्र स्पोर्ट्स में पहले बॉलिंग करेंगे. इस बार बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड पावरफुल शॉट था, बिल्कुल साइड स्पिन के सामने बहादुरी के साथ उसको रोका गया. राकेश प्रभु बॉलिंग के लिए आते हुए डॉक्टर डीवा पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए कई साल लेदर बॉल क्रिकेट और प्रमोदन T20 में बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन आपके मॉनिटर पर आप देख रहे हैं. राकेश प्रभु 2013 के मैन ऑफ द सीरीज. ऐसा मजा आता है जैसे आरडी बर्मन गुलजार और किशोर दा जुड़ जाए. सर सुप्रीमो चषक को ये सातवां साल है, पिछले 6 साल से काफी अच्छा चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हमें बड़े खुशी हो रहे हैं क्योंकि क्रिकेट का प्रोत्साहन हो रहा है. सभी लोग क्रिकेट लेदर बॉल से खेल नहीं सकते. कई क्रिकेटर्स के लिए ये शुरुआत होती है टेनिस बॉल क्रिकेट से जाके वो आगे अच्छा क्रिकेट खेले. कई क्रिकेटर तो मुंबई में इंडिया के लिए खेले जो टेनिस बॉल से जिन्हें स्टार्ट की. मेरे ख्याल से ये जो एटमॉस्फेयर सुप्रीमो ने क्रिएट किया है एक अपने आप एक मिसाल है कि आप इस खेल को कैसे बढ़ावा दे सकते हो. सारे जो सुविधा है जो मैच के लिए लोग स्टेडियम नहीं जा सकते वो यहाँ आके मजा ले सकते हैं और जो लोग खेलते हैं यहाँ क्रिकेट उनके लिए भी अच्छा एक मौका है. क्रिकेट एक खेल ऐसा है भारत में कि आप आज अगर इंडियन टीम में देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे छोटे शहरों से आए. जो पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो मोनोपोली थी वो अब नहीं रही और एक हमारे लिए हम दैट इट्सेल्फ इज़ अ सक्सेस स्टोरी. और ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो एक प्रोत्साहन देता है. तो इसके लिए तो क्रिकेट में आप देखें बाकी गेम में तो है बट क्रिकेट में ज़्यादा करके जो प्लेयर्स है जो आज इंटरनेशनल लेवल में खेले ये सब छोटे शहरों से ही आए. इसमें बहुत आपके पास एग्जांपल्स है और इसकी वजह से लेकिन उसके साथ में टेनिस क्रिकेट में जो प्लेयर्स आए हैं ये बहुत आगे चले गए. पहले शुरू में तो सिर्फ बम्बई के लिए ये था. अभी आपने ये टूर्नामेंट देखा तो इसमें सब देश के अलग अलग भाग से सब आते हैं. अभी छत्तीसगढ़ से भी टीम आई है तो इतने दूर से आते हैं तो ये प्लेयर्स को एक एक्सपोजर जो है ये ऐसे टूर्नामेंट से ही मिलता है. तो इसमें जो संजय जी ने और परब साहब ने जो इनिशिएटिव ली है उसके वजह से ये प्लेयर्स को बहुत आगे उसके लिए ये मिलेगा. आरोग्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल हमें बहुत खुशी है, संजय पोत्रे खुद इतना इंटरेस्ट लेते और ऐसे ऐसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलते तो मेरे ख्याल से उससे और क्या हो सकता है। क्या खुशी है सर, मैं तो लेता हूँ दिन सर कर लेते हैं इस बार दबाकर खेलने का प्रयास था। राउंड का विकेट आए थे पुनल और चशा, पिछले 6 सालों से कामयाबी हासिल नहीं हुई। सुप्रीमो चशा के एक माइलस्टोन है क्रिकेट की दुनिया में और इसका प्रक्षेपण सभी जगहों पे है, नॉट ओनली इन दिस ग्राउंड बट आउटसाइड द ग्राउंड आल्सो। व्हेन आई वाज कमिंग राइट फ्रॉम द सेंटा क्रूज ईस्ट, सो इट वाज ऑन द रोड आल्सो, द पीपल वेर गैदरिंग एंड दे वेर वाचिंग द मैच। आईपीएल के जितना ही इंपॉर्टेंट मैच है, संजय पोतनी से जब ऑन क्रिकेट है, सो देर इज नो क्वेश्चन अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड ही हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल एंड ही हैज टेकन एवरी केयर ऑफ द एस्पेक्ट। थैंक यू। इस बार ड्राइव के अपने कॉलेज में भाइयों और वास्तु आगे कौन समझना पुलंदा गले पर से और उधर पैडिक में तो सामना शुरू हुई पर संगामी राजेंद्र स्पोर्ट्स क्लब मुंबई का तुम्हारा डिग्री संगीत या संतो अर्जुन संघटना कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है संघटना बूटी बहुत मेहनत है कैप्टन है तो और अमीर रशाद वो दिखाई दे रही है कि जिनको बैटिंग के और सैयद परवेश मोहम्मद इमरान योगेश खन्ना अक्षय सिंह नफीस बेबी जमीर खान अरिफ अली अशोक खान महिलाओं के लिए मतलब खेलना चाहती है नेशनल महिलाओं के लिए भी खेला सामने आना चाहिए। टेनिस के नाले महिलाओं मुझे मुंबई में तो दिखते नहीं, अगर कोई दिखता उनके लिए भी हम लोग ऐसे टूर्नामेंट भारतीय संसदेची शोभा वाढवणारे आणि दैनिक सामन्याला शिखरावर नेणारे असे संजय राऊत साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तत्पूर्वी मित्रांनो विवेक दौडे हे खेळाडू जो आले होते मंचावर यायचा आहे कन्या स्पोर्ट्स गेट टेम्पल घेण्यासाठी जो नवाज मिर्झा और विनय राठोड आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपको गिफ्ट टेम्पल लेने के लिए उनको खेलने के लिए आगे आने के लिए संजय राउत साहब आपका हार्दिक स्वागत है सुस्वागतम। कल का टूर्नामेंट कितना उत्साहित लोगों को करेगा आप लोगों ने सब लोग देखा है कल जो पर तीन बजे तक लोग यहाँ पर पूरी भीड़ में इकट्ठे हुए थे, उससे पता चलता कि लोग आने के बाद में और क्या होगा, इससे और लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और क्रिकेट के लिए अच्छी बात है।
इज वेरी क्रेडिटेबल क्योंकि यहाँ का जो माहौल जो मैं देख रही हूँ बहुत ही सब बहुत चार्ज्ड है इस वक्त रात के इस वक्त, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि मैं भी इसका भी हिस्सा बन रही हूँ और थैंक्स टू संदीप कि हम साथ में यहाँ पर आए और ऑल द बेस्ट यू सर कि आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो एंड टेनिस बॉल से खेलना इज़ वेरी यूनिक मुझे लग रहा है सीजन बॉल के अलावा सर आप क्या कहना चाहेंगे सर ने इनिशिएटिव लिया है कि छोटी छोटी जगहों से निकल कर बच्चे आए खेले उनके टैलेंट को मौका दिया जाए बधाई देता हूँ आपको सर इतना सुपर इवेंट ऑर्गेनाइज किया लेकिन हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं इस शोज कितना पॉपुलर है और किस तरह से सब लोगों के दिल में छाया हुआ है और क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो आई थिंक यहाँ पर जब लोगों को जाम एक साथ बांधता है जोड़ता है वो चीज़ हमेशा अच्छी होती है and this is what it's doing and it's so fabulous to see that sports are bollywood ke logon ki to bahut अच्छी जमती है स्पोर्ट्स के लोगों की इसीलिए ये सब स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों को क्रिकेट या कबड्डी या कोई भी खेल खेलने वाले लोगों को जो मीडिया के लोग या फिल्मी लोग सपोर्ट करते हैं इसीलिए उनका उत्साह बढ़ता है इसीलिए सेलिब्रिटी आना जरूरी है और उन लोग हमें साथ देते हैं इसके लिए उनको मैं धन्यवाद चाहता हूँ लड़कियों को थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है क्या देखकर तो नहीं लगता लड़कियों को कम इंटरेस्ट है मुझे काफ़ी सारी लड़कियों में देख रही हूँ यहाँ पर और आई थिंक माहौल बदल रहा है लोगों की सोच बदल रही है और लड़कियाँ भी बहुत स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रही हैं और जो जहाँ मैं देख रही हूँ आई डोंट थिंक इज़ एनीथिंग लेस हम लड़कियाँ किसी कम नहीं है और उनके साथ